गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो मेरा नाम राजू कुमार सिंह है और प्रोजेक्ट में 10 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो एक तो बोलूँगा कि मंदार मुनि का ऑफर सेकेंड टाइम हुआ है। ऑफर तो बार बार निकलता है, लेकिन क्या है कि ऑफर निकलेगा लोग आएंगे, लेकिन जब तक इसमें जलेगा नहीं तो कुछ होने का नहीं है। आज यहाँ पर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था, यहाँ पर कुछ लोग आकर के बोल रहे थे कि मैंने पैराग्लाइडिंग किया, मैंने स्कूटर राइड किया, ये किया वो किया। कितने लोग इसमें ऐसे हैं कि जो पैराग्लाइडिंग नहीं करेंगे वो कल प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, चले जाएंगे और वो स्कूटर भी नहीं राइड कर पाएंगे। लेकिन जो पैसा देने के लिए है वो पैसा या तो नहीं है या तो इनसफिशियंट है। तो कहने का मतलब क्या है, हम नहीं चल पाए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास में पैसा नहीं है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में होना चाहिए कि अगर मेरे पास में 1,000-2,000 रुपये भी नहीं है अपने को इंजॉय करने के लिए या कुछ चीज़ को अपने शौक़ है उसके लिए, तो मैं ज़िंदगी में कहाँ खड़ा हूँ मैं। तो ये जला लेकर के, ये जो जला हुआ है ना, ये अगर ज़िंदगी में लेकर के नहीं गया तो मंदार मुनि का ऑफर फिर आया है, जो आज आकर के बोले कि मैंने राइड किया। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, जब मैं आया था ना इस प्रोजेक्ट में तो मेरे सभी बाल ना सफेद काले थे और बहुत बाल मेरे सफेद हो चुके हैं। तो बहाना मैं जानता हूँ कि नहीं है, बोलने में शर्म आती है भाई, बोलो कि नहीं है, मेरे पास में घर नहीं है, मेरे पास में गाड़ी नहीं है, मेरे पास में पैसा नहीं है, मेरे पास में ये नहीं है वो नहीं है। नहीं है तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाना है उसके लिए जो करना रहेगा करेंगे। सिंपल सा तो बात है, इतना घुमा कर जिलेबी की तरह बात करने का क्या है। जिलेबी की तरह बात करते करते और जिलेबी की तरह सोचते सोचते जिंदगी जिलेबी हो गई है, लाइफ में कुछ नहीं हुआ। सीधा बात करना है, सीधा बात करना है। बहुत अच्छा बात बोला वो मंडल जी, बहुत अच्छा बात बोले, दिल बोले, बहुत अच्छा बात। दिल में ही भगवान रहते हैं, कहीं नहीं रहते हैं। आपको खोजते रह जाओगे दुनिया में भगवान मिलने वाला नहीं है। मैं तो ऊपर जब भी गया हूँ प्लेन में, हमेशा अगर मैं 1,000 बार अगर सफ़र किया हूँ तो 998 बार मैं जंगला के पास में ही रहता हूँ। एक बार तो इंद्र भगवान का दर्शन हो जाए, नाटक ऊपर भी कभी भी नहीं हुआ। भगवान कहीं पर भी नहीं है, यहाँ से है। सच्चा मांस मन से काम करोगे, अच्छा मन से काम करोगे, वही तुम्हारा काम अच्छा होने वाला है। कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई, और कुछ नहीं बोल। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, टाइम नहीं है अभी, मस्ती का टाइम है, डांस का टाइम है, क्या हिलने डोलने का टाइम है, तो मैं क्या ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन मैं एक दो चीज़ बहुत छोटा छोटा चीज़ बोलूँगा तो ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। सोचने का ढंग अजुबान, अगर ये ठीक कर लिया लाइफ में घर गाड़ी नहीं, जो चीज़ चाहोगे वो मिल सकता, जो चीज़ चाहोगे। सोचने का ढंग अजुबान, अगर ये अगर स्मार्ट वैल्यू के अंदर में आपने ठीक कर लिया, घर गाड़ी कुछ भी नहीं है। आज यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं ये बनूंगा। अरे कौन तुमको रोक लेगा, तुम तो खुद अपने आप को रोक रहे हो। तुमको रोकने की किसी की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप को रोक रहे हो। तुम बोलना क्या चाह रहे हो, आप निगेटिव बात बोले, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैंने आप ये बोलना चाहते हैं कि मुझे कोई रोक ले मैं ये चीज़ नहीं बनूंगा, इसका मतलब ये हो रहा है। आप ये बोलिए ना कि हाँ मुझे ये बनना है, मैं ये करूँगा, ये पॉजिटिव बात हुआ। ये जो लैंग्वेज है ये जब तक ठीक नहीं होगा लाइफ में कुछ नहीं होगा। आप अगर घर से निकलते हैं, आप सोचिए, छोटा छोटा मैं बात बोलूँगा, आप जब घर से बात निकलते हैं अच्छा सा शर्ट पहन के निकलते हैं, बोलते हैं इस शर्ट पर कुछ गंदगी नहीं होना चाहिए, कोई गंदगी नहीं गिरना चाहिए, आप बोलते हैं ना। लेकिन आप देखिएगा उसी दिन उसी शर्ट पर आपका गंदगी जरूर गिरता है कि नहीं। मैंने आप ये बोल रहे हो कि इसमें गंदगी गिरना चाहिए, आप खुद बोल रहे हो। सोचने का ढंग और बोलने का ढंग ये आप लोग बदलो। मैं बोलता हूँ जिंदगी में हर चीज़ पूरा होने का, बात समझ में आएगी नहीं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिस करने से होगा। थिंक पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव, थॉट भी पॉजिटिव रखना है, लेकिन बहुत मुश्किल काम है, छोटा लगता है ना। बोलना पॉजिटिव, छोटी सी बात, सोचना बड़ा पॉजिटिव है कि नहीं। अगर एक हफ्ता चेक नहीं आता तो अपने ना पॉजिटिव सोचते लगता है कि अब लगता है बंद हो गया है। वर्ड बहुत छोटा है लेकिन मतलब बहुत बहुत इसका है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। मैं बोलता हूँ हर चीज़ आपको मिलेगा, अगर आप नहीं करोगे तो लाइफ में कुछ होने का नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर 1,000 रुपया भी मैं खर्चा नहीं कर पाता हूँ, 2,000 भी खर्चा नहीं कर पाता हूँ, तो
कुछ नहीं है। आज मैं भी आप ही लोग की तरह एक दिन स्मार्ट वैल्यू का एसोसिएट था, हाँ अभी हूँ आज, लेकिन इसी एसोसिएट के माध्यम से आज इसी बीच के अंदर मैं मेरा गाड़ी का 5 साल हो गया, मैंने कभी आज तक गियर नहीं दिया, पहली बार जिंदगी में अपने गाड़ी को गियर दिया 5 साल के बाद में। मजा आया कि नहीं। आज जितने लोग भी बात किए, आज ये लोग कितना लकी है, अजीत वजी कितना बेहतरीन ड्राइवर इसको मिला था, राजू सिंह जी था क्या, मैं ड्राइव कर रहा था, लोग पीछे बैठ के गया घूमने के लिए, वो भी सर भी थे, तो क्या नाम है सर, वो भी थे। तो ये चीज़ बहुत बहुत जरूरी है, चलना बहुत जरूरी है, लेकिन पॉजिटिव में चलना है। मुझे बहुत जलन हो रहा है, वो बहुत आगे बढ़ रहा है, उसको टांग देना है, ये गलत जलना है। मेरे पास में नहीं है तो मुझे पाना है, पॉजिटिव वे में सोचना है, हर कुछ होगा। आप देखने में अच्छे हो, आप बोलने में अच्छे हो, आपका एडुकेशन अच्छा है, तभी स्मार्ट वैल्यू होगा। गलत लोग साबित कर दिए। अगर देखने में ही अच्छा अगर लोग कर दे तो राजू सिंह का कभी भी नहीं होता क्या, ये सुनो, ये तो इतना पैसा खर्चा करने के बाद में अगर मैं अपना अगर क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट निकालूं तो कई लाख रुपया निकल जा हो जाएगा, एक काली चमड़ी पर खर्चा किया हूँ तब इतना बुरा लगता है, तो मेरा तो नहीं होना चाहिए, मैं गोरा भी नहीं होता, इसका मतलब कोई भी नहीं है, कौन छोटा है, कौन नाटा है, कौन मोटा है, कौन गोरा है, जो सोचेगा उसका होगा। और चलना बहुत जरूरी है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? यस। तो एक हम लोग वादा करके लेकर के जाए, एक वादा करें, पहला नंबर तो एक बात बोलना भूल गया, सुनिए के लिए जोरदार तालियों लग गई। हम लोग को ऐसे लीडर मिले हैं, इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है और हम लोग को एक टॉक्सिन निकालने का मौका मिलता है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, टॉक्सिन ही निकाल रहे थे, कोई हवा में टॉक्सिन निकाला था, कोई समुंदर में टॉक्सिन निकाला था, अगर उसका पैसा नहीं था वो अपना रूम में बैठकर टॉक्सिन निकाल रहा था, कितना लोग ऐसे हैं जिनको मैं देखा हुआ, मैं चेहरा भी रीड किया हूँ, कितना लोग है जो ऊपर जो उड़ रहा है उसका पास में पैसा नहीं है तो देख कर टॉक्सिन निकालना निकला सब ऐसा कि नहीं। ये चीज बहुत बड़ी बात है कि सुजेदा के लिए बहुत अच्छी चीज हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, बार बार ये मौका मिलता है और फिर मिलेगा। हम लोग का टारगेट करना है कि नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेगा हम लोग मैक्सिमम लोगों को क्वालिफाई करें। लेकिन बात क्या होता है, बहुत अच्छा बात बोलकर गया वो आकाश, एक तो बहुत छोटा सा बात बहुत अच्छा वैलिड बात बोल गया, मेरा पिताजी का बिजनेस था ना तो सोचा उसी को आगे कर लेंगे, खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब क्या कि जो पिताजी का जो रास्ता है उसी पर बेसिकली लोग फॉलो करते हैं। अगर 10 या 20 या 50 या 100 टीम को अगर मैं प्रेजेंट करता हूँ, अगर मेरा अगर थॉट अगर भिखारी की तरह है तो मेरे नीचे कितने भिखारी, बात मैं समझा पा रहा हूँ। अगर मेरा थॉट अगर वो कहते तो पिताजी का बिजनेस कर लिया, वो रास्ते पर चल दिया, मैं भी फैमिली का गार्जियन हूँ, मैं फैमिली का गार्जियन हूँ, मेरे पीछे 20 या 50 जो भी मेरा टीम है वो मेरे को फॉलो कर रहा है, मैं हूँ भिखमंगा, मेरा थॉट है भिखमंगा की तरह, तो मेरे पीछे कितने भिखमंगे, एक मैं और 50 पीछे, 51 भिखमंगे। हम लोग क्या करेंगे, तांडव करेंगे। स्मार्ट वैल्यू से होती नहीं है, स्मार्ट वैल्यू देता नहीं है, स्मार्ट वैल्यू देख करके देता है, स्मार्ट वैल्यू का कोई दोस्त नहीं है, दोस्त इसका है और कहीं कहीं इसका है। ये दो चीज जो भी ठीक कर लिया उसका लाइफ में सक्सेस मांगने से कुछ मिला, सक्सेस मांगो को मिलेगा मेरा भैया, नहीं मरा। एक भिखारी को भीख नहीं देता, 1 रुपया देते हो, ए दादा माफ करो, सब तो टेस्ट है, कलकत्ता में वेस्ट बंगाल में उन्होंने कमा करो, बिहार में ये सब चलता नहीं, और सब जगह नहीं चलता है। तो एक आदमी इतना प्रैक्टिस करता है, भीख मांगता है, उसको 1 रुपया नहीं देते हो, आपको सक्सेस मिलेगा मांगने से, कभी जिंदगी में कोई चीज़ मांगने से नहीं मिला है, ऐसा काम करना पड़ेगा, वो चीज़ खुद चल करके यहाँ पर आनी चाहिए, उसको बोलते हैं सक्सेस। मांगने से भीख नहीं मिलता, सक्सेस भी नहीं मिलेगा। और एक और भी अच्छी चीज़ है, एक भिखारी चीज है, जब भीख मांगता है तो बहुत कुछ हम लोग को सिखा करके जाता है, आप मांगेगा 1 रुपया दीजिए ना, दुख माफ करो सर, बाबू दिखाता है ना, क्या बोलता है, हाथ नहीं है, अगर किसी का पैर नहीं है, दादा भैया क्या कर रहा है, एक्सपोज कर रहा है अपने आप को कि भैया मैं तो लग रहा हूँ, मुझे 1 रुपया दे दे,
भैया मेरे तो हाथ नहीं है, एक रुपया दे दे, फिर भी हम लोग नहीं देते। एक्सपोज करता है हम लोगों से, क्या सीखने को मिलता है? अगर आँख अगर पॉजिटिव रहेगा तभी तो हर चीज़ में पॉजिटिव दिखाई देगा। आप सोचोगे भिखारी से मैं क्या सीखूंगा, भिखारी मेरे को क्या सिखाएगा? अरे बाबा वो तो भीख मांगता है, कपड़ा लगता नहीं, कितने लोग पहनने के बाद भी भिखारी रहते हैं। अगर मैं अपने बच्चे को खिला नहीं पाता भिखारी, स्टैंडर्ड भिखारी, टाई वाला हूँ तो भिखारी। मेरा बीवी का सपना अगर सब सपना ही रह जाता है, स्टैंडर्ड भिखारी, लिवाइट पहन करके भिखारी, वन टाइप ऑफ भिखारी, वन टाइप ऑफ भिखारी। तो सीखने को क्या मिलता है? एक्सपोज करना पड़ेगा। तो हम लोग को ना अपना अपने चीज़ को एक्सपोज करना पड़ेगा। कितना इनकम है दादा? 20,000 इनकम करता हूँ, मुंह झुराया हुआ है। अरे 20,000 कम होता है? एक्सपोज करने के, यस 20,000 कमा रहा, दारुण मिला है, अब 20 मिला 50 भागूंगा, वो तो एक्साइटमेंट दिखाई देना चाहिए। दादा कहाँ कुछ अचीवमेंट हुआ है? 5,000 का कम होएगा, एक टैब खरीद रहा हूँ, एक तो बाइक, एक तो लैपटॉप, बाइक बने 50,000, वो लैपटॉप 30,000 बने, 80,000 का एक सामान खरीदा, लेकिन मुंह छुरा को सूखा हुआ है। क्यों 80,000 कम है? एक स्टूडेंट 18 साल 19 साल 20 साल 22 साल का आदमी जो उस समय अपने पापा से मांगता है, बाबूजी 10 रुपये दीजिए ना, 100 रुपये दीजिए ना, गर्लफ्रेंड को ले जाकर के पार्क में जाना है। उस समय तुम 80,000 रुपये मांगने के बजाय तुम प्रोडक्ट कोई सामान खरीदते हो तो प्राउड फील करना चाहिए ना। क्या क्या प्रोजेक्ट मिला है, यही 18 में ही मार दिया 80 का, ये पॉजिटिव कहाँ एक्सपोज कर दो। कहाँ लाइफ में हुआ एक बार फॉरेन ट्रिप किए हैं, 2-3 जो नेशनल ट्रिप किए हैं, कहाँ हुआ? अरे भिखारी, वो जो हाथ दिखाते हैं वो भिखारी, और ये भिखारी में ज़्यादा अंतर नहीं है, ये दोनों भिखारी ही होगा जिंदगी में ज़्यादा। मेरा कहने का मतलब हम लोग का जो अपना पोटेंशियल है, जो मैंने यहाँ से अचीवमेंट किया, एक एक मोबाइल लेते हो वो तो एक्साइटमेंट दिखा है, सर दारुण एक मोबाइल लिया है, इसको चिल्लाओ के पीछे लोग ड्राफ्ट दे देता है, देगा कि नहीं? यस, ये चीज़ बहुत जरूरी है। ये जोश कहाँ है, एक्साइटमेंट कहाँ है? सर बाप एक तो बहुत अच्छा होटल में खा लिया, अब नहीं खाएगा? इसको अगर होटल बोलते हो, अगर इसको अगर लाइफ में सब कुछ बोलते हो, तब अगर जो हम लोग दिखाएंगे बाद में कंपनी का भी ले जाकर के जैसे आनंद जा रहा है, तो वो देखने के बाद में क्या होगा, वो सब क्या होगा? कुछ नहीं देखा है। अगर इसको अचीवमेंट मानी है, लेकिन आपने जो इसको बोलता है कि सबसे बेस्ट है, नहीं भाई, बहुत कुछ बाकी है, शुरुआत है, एक लगा है कि हाँ कुछ मिला है, थोड़ा सा लाइफ में डिफरेंट हुआ है। जो बोरिंग सी जिंदगी थी, जो चाल चाल में कोई ये नहीं था, एक तो उसको डायरेक्शन मिला है, शायद कुछ हो रहा है जिंदगी में, हो रहा है, ये हुआ है, ये कुछ नहीं हुआ है। इसलिए बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं खुद से 14 से 12-15 बार विदेश भ्रमण कर चुका हूँ, अब मोटा मोटी बहुत सारा प्रोजेक्ट में कंपनी का प्रोग्राम अटेंड कर चुका हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। दुनिया में कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होता है। अगर कोई ये बोलता है, मैं किसी के बात को नहीं बोला, दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना मैं परफेक्ट हूँ, ना आप हो, ना चांद में भी दागे गए, परफेक्ट कुछ नहीं होता। ऑलवेज ट्राई करो 100-110% देने का कोशिश करो, 110% देने का कोशिश करो, 110% अगर देने का अगर एटीट्यूड रहेगा, लाइफ में सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। थिंक पॉजिटिव, सोचिए आपका गाड़ी हो रहा है, घर हो रहा है, पैसा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कौन रोक लेगा आपको? बोलते नहीं हो, बोलो ना। मैं आपको बोलता हूँ कि भगवान मत मांग लेना, जब शंकर भगवान भी आ जाएंगे और आपके घर में तांडव करने लगेंगे, वो भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। सोचो सही, बोलो सही, एक काम कीजिए, जिंदगी अगर अगला बार हम लोग मिलेंगे, ये तो मैंने लीडर लोग होंगे ही होंगे, बेस्ट अच्छे जगह पर रहेंगे, और कम से कम इसके नीचे जो लड़के लोग आएंगे वो भी अच्छे अच्छे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग क्वालिफाई करके आएंगे, और एक लीडर 50 एक लीडर 50 भिखारी को नहीं फॉलो करेगा, एक लीडर 50 शेर को फॉलो करेगा, लेकर के उसको चलेगा। देखना इंडिया में तांडव हम लोग कैसे मंगाते हैं, अगर हर घर घर में कई स्मार्ट बोर्ड को खर्चा नहीं लगाया हमने तो हो ही नहीं सकता है। वो सर ने बहुत अच्छा बात बोला, वो डॉक्टर साहब ने, मुझे तो आदमी मेरे को बहुत अच्छा चीज़ सीखने को मिला,
हम लोग बोलते हैं लिस्ट बिल्डिंग बनाओ, लिस्ट बिल्डिंग बनाओ। क्यों लिस्ट बिल्डिंग बनाएंगे बाबा? बहुत अच्छा चीज़ बोला हमको, बहुत अच्छा लगा। ये मेरा अपना पर्सनल थिंकिंग है क्या है, वो बहुत अच्छा। उनसे तो मेरे को आइडिया मिला, 1,33,34,135 crore बोले लिस्ट बिल्डिंग है। सही तो बात है, किसको एडुकेशन नहीं चाहिए? एडुकेशन नहीं चाहिए तेरे को? हेल्थ ले चाहिए तो कौन नहीं है? किसका मुंह सूखा हुआ है? सब किसी का मुंह सूखा हुआ है। किसी को पैसे की जरूरत है, किसी को एडुकेशन की जरूरत है, एक तो हेल्थ की हेल्थ की जरूरत है, तो सबको तो जरूरत है। तो लिस्ट बिल्डिंग तो 1,33 हुआ ही सर, एक्सेलेंट आइडिया। मैं यहाँ पर सीखने को मुझे मिला, मैं एक ही बात बोलूँगा, थिंक पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव, थॉट पॉजिटिव, सक्सेस चल के आएगी आप लोगों का। ओके, थैंक यू।